कक्षा 8, विषय संस्कृतम। और संस्कृत में हमारा क्या चल रहा है? कारक प्रकरण। क्या चल रहा है? कारक प्रकरण। कारक में हमारा चल रहा है अपादान कारक। क्या चल रहा है? अपादान कारक, या हम ये भी कह सकते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति अपादान कारक कहे या पंचमी विभक्ति कहे। और इसमें कहा जा रहा है, अगला आज का बात है, निम्नलिखित शब्दानाम योग है। शब्दानाम योगे पंचमी भवती, यानी निम्नलिखित शब्दों के योग में पंचमी होती है। अब वो निम्नलिखित शब्द कौन है? नंबर 1 रीते। रीते का अर्थ क्या होता है? बिना, यानी इस शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। रीते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी से लेकर, से लेकर इसका अर्थ होता है। यानी हम ये कह सकते हैं प्रवृत्ति शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होता है। आगे बही, नंबर 3 पे है बही यानी बाहर, इस शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होता है। उसके बाद है पूर्वम। पूर्वम का मतलब होता है पहले, इस शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पूर्व में नहीं पहले। उसके बाद है प्राक। प्राक का मतलब होता है पूर्व। प्राक, प्राक का मतलब क्या होता है? पूर्व। इस शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है अन्य। अन्य यानी दूसरा, इस शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है अनंतरम। अनंतरम यानी बाद। अनंतरम यानी बाद, इस शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उसके बाद है पृथक, नंबर 8 पे है पृथक यानी अलग, इस शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है परम। परम का मतलब होता है बाद। परम, परम का मतलब क्या होता है? बाद। तो ये 9 ऐसे शब्द हैं जिनके योग में हमेशा ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ज्ञानात रीते मुक्ति न भवति। ज्ञानात रीते मुक्ति न भवति, ये एक उदाहरण है। अब यहाँ ज्ञानात के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, इसमें हमें विभक्ति और कारणम ये दो चीज बताना है, ठीक है? विभक्ति और कारण ये दो चीज हमें इसमें बताना है कि इसमें विभक्ति क्या है और कारण क्या है। तो इससे पहले हम 9 शब्द की, इसमें सबसे पहला ही है रीते शब्द। पहला ही क्या है? रीते शब्द, यानी रीते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होता है।
तो विभक्ति में हम लिख देंगे पंचमी विभक्ति, ठीक है। अब कारण लिखना है तो लिखेंगे अत्र यानी यहाँ रितेः शब्दस्य प्रयोग वर्तते। यहाँ पे रीते शब्द का प्रयोग है, आगे लिखेंगे रीते शब्द से योग है, यानी रीते शब्द के योग में सर्वदा हमेशा पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति प्रयोग भावती, यानी रीते शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे रीते शब्द का प्रयोग है और रीते शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पहला कर लिए। उसके बाद आगे और भी उदाहरण करेंगे, आज केवल एक रीते का ही करके बताया हूँ। पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि रीते का मतलब क्या होता है, बिना। प्रवृत्ति का मतलब होता है से लेकर, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है से लेकर के। बही का मतलब क्या होता है बाहर। पूर्वम का मतलब होता है पहले। प्राक का मतलब होता है पूर्व। अन्य का मतलब होता है दूसरा। अनंतरम का मतलब होता है बाद। पृथक का मतलब होता है अलग। और परम का मतलब होता है बाद। यदि किसी वाक्य में किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और उस शब्द के बाद में इनमें से नौ में से कोई एक शब्द मिलता है तो आपको कारण में देना है कि इस शब्द के योग में यहाँ पे पंचमी विभक्ति हुई है। यदि ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं और इनसे पहले वाले शब्द के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब उसमें पंचमी विभक्ति है। कारण में बस आपको शब्द, मान लो यहाँ पे रीते न दे करके प्रवृत्ति दिया हुआ होता, वाक्य कोई दूसरा होता और दिया होता प्रवृत्ति, और इससे पहले वाले वाक्य के नीचे अंडरलाइन किया होता, शब्द के नीचे अंडरलाइन होता, तो वहाँ पे लिखते पंचमी विभक्ति। लेकिन कारण क्या लिखते, अब यहाँ पे रीते शब्द लिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रवृत्ति। अत्र प्रवृत्ति शब्द से प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग है और प्रवृत्ति शब्द से योगे सर्वदा पंचमी विभक्ति प्रयोग भवति, यानी प्रवृत्ति शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हम कारण दे देते और लिख देते। कारण बहुत ही सरलता से दिया जा सकता है, बस आपको समझना है कि किस प्रकार से कारण हमें लिखना है। तो आज मैं आपको जो बताया इनके शब्दों के अर्थ तैयार कर ले, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।